नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सिने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के कृषि भवन संदेश में हूँ। कई समस्याओं को लेकर के भाकपा माले के कई नेता यहाँ हैं जो किसानों से समस्या को लेकर के अवगत कराना चाहते हैं, तो आइए इस संदर्भ में मैं उनसे बात करता हूँ। नेताजी, क्या समस्या है किसानों को आपके क्षेत्र में? किसान का समस्या है आज ये मन किसानी खेती करने के लिए किसान का साल में सबसे पहला समय जो है रोहन निक्षत्र में शुरू होता है खेती, और इस समय ना ब्लॉक में धान के बीज उपलब्ध है, ना खाद है, ना नहर में पानी है, कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और किसानी का सीजन आ चुका है। रोहिणी निक्षत्र से किसान का शुरुआत होता है खेती का, और इस समय किसान चलते हैं इधर उधर, भटक रहे हैं, सिंचाई के प्रबंध नहीं है, खाद बीज का नहीं है, जबकि रोहिणी निक्षत्र में बिया बीज धान का बीज डालने का समय आ गया है। माफ करेंगे, यहाँ टोकना चाहूंगा, खाद तो आपके क्षेत्र में बिक रहा है, खाद अभी उपलब्ध है? खाद उपलब्ध है, धान का बीज उपलब्ध नहीं है। धान के बीज किसान के बीच वितरण हो जाना चाहिए, नहीं है ब्लॉक में। तो फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या हम तो मांग करते हैं सरकार से कि समय रहते हुए ये सारा प्रबंध सरकार करे, अन्यथा किसान मजबूरन ये ब्लॉक में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग को मनवाएंगे, और यदि इनको बात नहीं होता है तो हम समझते हैं कि किसान अब की बार ये ब्लॉक में ताला लगा देंगे, ब्लॉक नहीं चलेगा। इसको लेकर के किसके पास शिकायत के लिए जाएंगे? आप ये देख रहे हैं कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का कक्ष है, यहाँ अभी तक 10:30 बज गए हैं, अभी तक एक कर्मी मात्र उपस्थित हैं, कोई नहीं है यहाँ। आप शिकायत लेकर के किसके पास जाएंगे? करेंगे यहाँ अब एक लिखित आवेदन हम लोग देंगे, यदि यहाँ से नहीं होगा तो आरा जाएंगे, आरा नहीं होगा तो पटना हम लोग जाएंगे। कृषि पदाधिकारी से जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके हम मांग करेंगे, यदि नहीं मांगे तो विधानसभा में बात देगा। तो फिर आगे के लिए क्या कुछ योजना आप बना रहे हैं? हम योजना बना रहे हैं, किसान के बीच जा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, किसान बिल्कुल निराशाजनक में है, उनको कोई सूझबूझ नहीं है कि हम लोग क्या करें, खेती के टाइम आ गया है, आर्थिक स्थिति तंगी हाल में है, और हम बात कर रहे हैं, गांव-गांव में मीटिंग सभा चल रही है हमारा। हमारा नाम जीतन चौधरी है, भाकपा माले प्रखंड सचिव संदेश। प्रखंड कृषि कार्यालय में कर्मी उपस्थित हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। इनका कहना है अभी तक तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। सर, आप यहाँ कृषि कार्यालय में अकेले दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है, और लोग कहाँ हैं? सभी कोऑर्डिनेटर और किसान सलाहकार और एटीएम अपने अपने पंचायत में किसानों को सूचित किया जा रहा है कि 29 तारीख को खरीफ महोत्सव है कर्मशाला, इस वजह से सब कोई अपने अपने पंचायत क्षेत्र में किसानों को सूचित कर रहे हैं। तो क्या कौन सा यह कर्मशाला में क्या होगा, कब तारीख है किसान? 29 को जिसमें किसानों को सब प्रशिक्षण दिया जाएगा, बताया जाएगा कैसे खेती होती है, क्या क्या होता है, यूरिया ये सब के बारे में। अच्छा, यहाँ प्रखंड कृषि कार्यालय में प्रखंड कृषि पदाधिकारी नहीं, कब से नहीं है, कब आने की सूचना है कि नहीं पूछ आपके पास? प्रखंड कृषि पदाधिकारी है, 3 ब्लॉक इनका पंचायत प्रतिनियुक्त है। कौन कौन सा ब्लॉक? आरा, कोइलवर और संदेश। अच्छा, यहाँ कब कब आते हैं? यहाँ भी नहीं आते हैं, इस वजह से फोन से सारा अपना काम करवाते हैं,
जो भी काम कोई दिक्कत होता है चाहे संदेश में किसान को कोई समस्या हो तो उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, सारा काम बताते हैं कौन काम कैसे होगा। क्या नाम हुआ प्रखंड कृषि पदाधिकारी का? अशोक कुमार सिंह। अभी वे कहाँ हूँ? कोइलवर प्रखंड उनके प्रति, कोइलवर आरा और संदेश तीन गुदे। तो सारा काम यहाँ टेलीफोन से होता है। इनके प्रतिनिधि है नोडल कृषि समन्वयक अरुण कुमार सिंह, उन्हीं के देख रेख में सारा काम होता है। आज तक कितना बार है यहाँ, कब ज्वाइन किए कृषि पदाधिकारी यहाँ, कब ज्वाइन किए? अभी तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी यहाँ पे आए नहीं। ज्वाइन किए थे, इनको चार्ज कब मिला? इनको चार्ज मिला नहीं है अभी, जो पुराने बीओ सर थे अभी मिला नहीं है, इस वजह से अभी सर आ नहीं पा रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रखंड कृषि कार्यालय की स्थिति से अवगत हुए, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अभी चार्ज नहीं मिला है, यहाँ नहीं आते हैं, टेलीफोन से सूचना लेकर के टेलीफोन से ही काम किया जाता है। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।